अब व्यायाम पर शरीर है तो उसको व्यायाम चाहिए। पहले ज़माने में हमारा जीवन शैली ऐसी थी कि हम दिन भर में पेशाब के लिए जाएंगे, बाथरूम के लिए जाएंगे, खाने के लिए जाएंगे, कुछ भी करेंगे इधर उधर, घर के अंदर ही आंगन में और घर के अंदर ऐसे मिला करके करीब करीब 18 किलोमीटर हम लोग चल लेते हैं। कितना? हाँ हाँ 18 किलोमीटर हम दिन भर में चल लेते थे। पहले घर का जैसा डिजाइन था, बाथरूम वही पीछे बगीचा बाड़ी में जाएंगे, टॉयलेट बना होगा बाड़ी में, और हाथ धोने के लिए भी जाएंगे तो आंगन के किसी कोने में, और आजकल क्या हो गया कि बाथरूम वही जहाँ सो वहाँ बाथरूम और टॉयलेट और पेशाब के लिए भी वही, कहीं जाने का कोई मौका छोड़े नहीं है। इतना मनुष्य समझदार हो गया कि समृद्धि इतनी कर गई कि कोई भी मौका छोड़ा नहीं कि उसको, और लैपटॉप लेके बैठ गया, टिकट टिकट करता रहा और पूरा दिन बैठे 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 बिता दिया। तो ऐसे निढल्ले जीवन के लिए, निढल्ले निहायत कोढ़ियाल व्यक्ति, आलसी, निपट आलसी व्यक्ति जैसे हम लोग बन गए हैं, तो शरीर को कुछ ना कुछ अगर हम ये हरकत नहीं देंगे, ये व्यायाम, इसी को व्यायाम करें बोलते हैं कि शरीर को हम हलचल करें। तालाब का पानी क्यों खराब माना जाता है? क्योंकि वो पड़ा है, एक जगह रखा हुआ है, पड़े 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 गंदगी उसमें पनपती है, कई भी पनपेंगे, ये भी पनपेंगे। और नदी का पानी, झरने का पानी, वो सरसर सरसर कल कल छल छल करके बहती जाती है, तो उसमें गंदगी पैदा नहीं होती है। तो इसी प्रकार शरीर को भी अगर हम हलचल नहीं करेंगे तो शरीर भी गंदगियों को भर के पकड़ के बैठे रहेगा, उसको भी सर्कुलेशन चाहिए। तो सर्कुलेशन के लिए चाहिए तब जाके किडनी में ब्लड जाएगा सही मात्रा में, और किडनी उसको छान करके पेशाब बना के बाहर कर देगा। ठीक है, तो हुई बात कि हम इस तरह कुछ करते हैं क्या? नहीं करते हैं तो करेंगे। तो खादर बली जी एक फूड साइंटिस्ट तो है, कृषि रत्न उनको मिला है, 7 एकड़ खेत उनका है, उसमें वो उगाते हैं कृषि रत्न, कृषि के फंडे सिद्धांत उन्होंने समाज को दिए हैं, यही श्री धान्य उगाने के। और खादर बल्ली जी पर्यावरणविद भी हैं और एक डॉक्टर भी हैं, होम्योपैथी के ज्ञाता हैं, आयुर्वेद के ज्ञाता हैं। आयुर्वेद को वो समझाते हैं कि जीवन जीने का वेद है, वो उसको उस ढंग से हमारे आयुर्वेद के जो पाठक हैं, जो भी डॉक्टर हैं, जो भी विद्यार्थी हैं, वो उस ढंग से नहीं लेके उसमें से कैसे दवाई बनाएंगे और उसको मार्केट में बेचेंगे, यही खाली सोचे हैं। आयुर आयुर मतलब आयु हमारा, उसका वेद माने ग्रंथ यानी शास्त्र यानी ज्ञान का भंडार, वो है आयुर्वेद। तो वो जीवन विद्या न समझा करके, गोली बना करके, टैबलेट बना करके, कैप्सूल भी बना लिए हैं आयुर्वेद वाले, हैं बेचे जा रहे हैं। तो खाली व्यापार का
एक नमूना बना के छोड़ दिए हैं आयुर्वेद को। तो खादर बली जी इसका अध्ययन करके उन्होंने सब जीवन के लिए सूत्र बनाए हैं कि भाई शरीर को कैसे चलाने, कैसे जीवन, आयु हमारी कैसी बनी रहेगी, बढ़ेगी, तो आपको व्यायाम की ज़रूरत है। क्या व्यायाम की ज़रूरत है? बोलते हैं निरापद, सबसे निरापद, कोई रिस्क नहीं है, रिस्क लेस, नो रिस्क, ऐसा कोई चीज़ है, वो है पैदल चलना। पैदल चलने में कोई डेंजर कुछ नहीं है। दौड़ रहा है तो डेंजर हो सकता है भाई, कहीं कहीं कुछ स्टेप गड़बड़ हो गया, गिर पड़ेगा तो कुछ भी, घाव लगेगा, चोट लगेगा, टांग टूटेगी, कुछ भी। तो पैदल चलना, वो बोलते हैं तेज चलने की भी ज़रूरत नहीं, आप 1.25 घंटे तक चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, मोमेंटम बनाए रखो, जिससे जिससे ब्लड का सर्कुलेशन होता रहे, पूरे शरीर में होता रहे। अब ब्लड सर्कुलेशन होता रहे तो उसका प्यूरिफिकेशन भी होता रहेगा, किडनी भी काम करता रहेगा, पेशाब भी बनता रहेगा। तो ये सब चीज़ें जब होने लगे तो जानो कि हमारे शरीर में जितना एक दिन में, एक वन डे में, 24 घंटे में जितना हमको व्यायाम चाहिए उतना मिल गया, और इतने में 5 ग्राम जो हमारा खाना खाने से ये सब बनता है, उसमें हमारे हार्ट और लंग्स के जो काम होते हैं वो तो होते हैं, बाकी भी बचता है, तो उतना शुगर बर्न आउट हो जाता है, सारे कैलोरीज खप जाते हैं, हो गया, हम रिस्क फ्री हो गए, हमारा हेल्थ है। तो पैदल चलना, बूढ़ा आदमी भी पैदल चल सकता है, उसको बोल के दौड़ो तो बूढ़ा आदमी दौड़ेगा। तो ये सार्वजनिक मरे जन साधारण के लिए, तो पैदल चल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, वो भी एकदम तेज चल रहे हैं वो भी नहीं, बोलते हैं टहलते हुए, आराम से टहलते हुए चलो, परंतु 1.25 घंटा, शुरू शुरू में थक जाएगा, टांगे थक जाएगी, 15 मिनट में कोई थक गया जो कभी नहीं चला, बैठ जाओ थोड़ी देर कहीं पर, कोई पुलिया है बैठ जाओ, कहीं पार्क में चल रहे हो तो बैठ जाओ, कोई तो चेयर है, उसके बाद फिर चलो, फिर थोड़ी देर में बैठ जाओ, ऐसा करते करते आदत बढ़ेगी। आज 5 मिनट में थकते थे, कल 10 मिनट में थकेंगे, या कल हम ऐसा करते करते 1.25 घंटे बिना रुके हम चल सकते हैं। तो ये भी आदत डेवलप करने में 1-2 महीना लगे, कोई दिक्कत नहीं, जितना गए हैं उतना लौटना भी है, उसका भी ध्यान रखना है, 1.25 घंटा, ठीक है। तो अब है पैदल चलना, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, और जो कुश्ती कसरत करते हैं सब रिस्क है ना, कुश्ती भी सब रिस्क है भाई, हैं, जिम भी करते हैं रिस्क है, ठीक है, जिम में सब हार्ट अटैक आके मर नहीं रहे आजकल जिम वालों को, तो ये सब रिस्क वाला है, काहे को इतना उठा पटक करोगे, जस्ट आराम से टहलो, टहलते टहलते जाओ। तो इसीलिए ये इसमें कोई खर्चा नहीं, जिम में जाओ तो खर्चा है, उसके मेंबरशिप लो देखो कितना खर्चा है, बाकी जो भी करो खर्चा है, तेज चलोगे दौड़ोगे फिर आकर के कहीं दुकान में बैठ के चाय पियोगे जूस पियोगे, एक्सरसाइज करोगे जो भी एक्सरसाइज करते हैं, पहलवानी करते हैं, फिर आकर के खूब खाना खाते हैं, महंगा प्रोसेस हो गया ना, खर्चीला प्रोसेस, पैदल चलने क्या खर्चा है उसमें, कुछ नहीं। तो जीवन को कैसे बिना एक पैसा खर्चे हम जीवन को आराम से स्वस्थ रख सकते हैं, और बीमार है तो भी
स्वस्थ हो सकते हैं, ये विद्या खादरवल्ली जी बताते हैं। और वो बोलते हैं कि ये सब चीज़ों का थोड़ा अभ्यास मिला, ये सुन करके भी लोग सीख सकते हैं, कर सकते हैं, परंतु भाई लोग करते नहीं है। कोई सुन लिया, देख लिया, हाँ करेंगे, कल करेंगे। तो उन्होंने कहा कि श्री जीवन का ऐसा कैंप लगाओ, 3 दिन का 10 दिन का 5 दिन का कैंप लगाओ, उसमें लोग आए थोड़े दिन, सबके साथ में रहे, सबके साथ चले। जब साथ चलते हैं पता नहीं चलता हम 1 किलोमीटर चल गए, पता भी नहीं चलता है। अकेले चलोगे तो हमेशा लगेगा कब बैठ जाऊँ कब बैठ जाऊँ, ये सब चलता है। तो सामूहिक जीवन में आकर के सबके साथ गपशप हुआ, विचारों का आदान प्रदान हुआ, ऐसा होकर के काम हो जाता है। तो इसी तरह यह श्री जीवन शिविर लगाते हैं और लोगों को कैसे खाना, कैसा पीना, कैसे जीना, कैसे व्यायाम करना, ये सभी चीज़ों का ज्ञान एक बार मिल जाता है, व्यक्ति समझ करके जाता है, फिर घर में उसी ढंग का जीवन जी सकता है।